बचपन से ही थोड़ी बागी रही हूँ, हर बात में तर्क ढूंढती हूँ। दादी ने कहा नवरात्रि के हैं दिन, करो पूजा पाठ, खाना एकदम सात्विक। मैंने कहा पहले आप ये बतलाओ कि आपके पास क्या प्रूफ है कि दुर्गा के 9 रूप हैं। दादी मेरी बड़ी सयानी, विद्रोही पोती का सवाल सुन झट कर बोली, गणित में तो इतनी अव्वल, बता डेसिमल सिस्टम का आखिरी अंक 9। एक जान पन पे कोख में महीने लगे 9। कितने पुराण 9। कितने महापुराण 12×9। सतयुग के कितने साल और उनका जोड़ 9। कलयुग के कितने साल और उनका जोड़ 9। नवरात्रि के दिन 9। दुर्गा के रूप 9। क्या लगता है, इत्तेफाक है या ब्रह्मांड की कोई चाल है? दादी की बात में था तो दम। मैंने कहा अच्छा फिर ये बतलाओ, दुर्गा का कौन सा रूप सबसे अहम? दादी ने कहा मेरी पोती का रूप, जो सती सी स्वाभिमानी, शैलपुत्री सी शिव दीवानी, ब्रह्मचारिणी के जैसा तप, चंद्रघंटा के जैसा हट, सरस्वती को ब्रह्मा से, विष्णु को लक्ष्मी से, शिव को शक्ति से जिसने मिलाया, तुम भी वैसी ही दूरदर्शिनी जैसी कुशमांडा। स्कंद माता सी ममता, कात्यायनी सी प्रचंडता, निडर जैसे कालरात्रि, निर्मल जैसे महागौरी, निपुण जैसे सिद्धिदात्री। चल अब हो गई तसल्ली, आ मनाते हैं नवरात्रि।